दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का टारगेट एग्जाम में। सो फ्रेंड, आज हम बात करेंगे करंट अफेयर्स की, ठीक है। 2020 यानी 2020 का टॉप 30 क्वेश्चन काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, वीडियो को कभी मिस मत करना फ्रेंड, ओके। वीडियो को पूरा वॉच करना, तो सारे एग्जाम के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट यानी निचोड़ कर हम लेकर आए हैं। तो चलिए देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन, साथ में आप भी इसको माइंड में फिक्स करते रहिएगा, ओके। चलिए फ्रेंड, पहला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने जल साथी कार्यक्रम का शुभारंभ किया, ठीक। यानी किस राज्य सरकार ने जल साथी कार्यक्रम का शुभारंभ किया, ओके। तो यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा उड़ीसा, ठीक है। यानी जल साथी कार्यक्रम का शुभारंभ किसने किया, उड़ीसा राज्य ने, ठीक है। नोट करते चलिएगा, हम सारे क्वेश्चन आपको कंप्लीट करवाएंगे, ओके। ये मान के चलिए ये 500 क्वेश्चन की सीरीज होगी आपके करंट अफेयर्स की, ओके, सारे एग्जाम के लिए। चलिए नेक्स्ट है, हाल ही में भारतीय फार्म कॉपियों को मान्यता देने वाला पहला देश कौन बना, तो अब यहाँ पे होगा अफगानिस्तान, ठीक। अब हम बात करेंगे भारतीय फार्म कॉपियों, ठीक, कॉपियों को मान्यता देने वाला पहला देश अफगानिस्तान, ओके। चलिए नेक्स्ट है, रोहतांग दर्रे में सुरंग का नाम बदलकर क्या रखा गया, तो हो जाएगा आपका अटल बिहारी वाजपेयी, ओके। ध्यान दीजिएगा, रोहतांग दर्रा नाम चेंज करके रखा गया है अटल बिहारी वाजपेयी। चलिए नेक्स्ट है, राष्ट्रीय जल नीति पर गठित समिति के अध्यक्ष कौन बने, तो आपको याद रखना है कौन बने हैं, मिहिर शाह, ठीक। राष्ट्रीय जल नीति पे गठित समिति के अध्यक्ष कौन बने हैं, मिहिर शाह। ये सारे टॉप क्वेश्चन है, नोट करते चलिएगा, हम पूरा 500 क्वेश्चन कराएंगे, ओके। चलिए नेक्स्ट है, भारत और किस देश के बीच सूर्य किरण सैन अभ्यास, ठीक, यानी सूर्य किरण, सूर्य की किरण, तो नेपाल के बीच हुआ। चलिए नेक्स्ट है, हाल ही में महिला कांग्रेस का उद्घाटन कहां पर किया गया, तो मान के चलिए आपका पंजाब, यानी महिला कांग्रेस का उद्घाटन पंजाब राज्य में किया गया, आप नोट करते रहिएगा। चलिए नेक्स्ट है, किसके ऊपर पुस्तक कर्म योद्धा लिखी गई, तो नरेंद्र मोदी के ऊपर। चलिए अगला है, 16वां प्रवासी भारतीय दिवस कब मनाया गया, तो ये मनाया जाता है 9 जनवरी को, डेट याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट है, 2020 की स्वच्छता रिपोर्ट में शीर्ष पर कौन सा शहर था, तो ये है आपका इंदौर, ठीक, सभी को मालूम होना चाहिए इंदौर। चलिए नेक्स्ट है, हाल ही में भारत ने किस देश से पाम ऑयल के आयात को बंद कर दिया, तो ये होगा आपका मलेशिया से, यानी पूर्णतः बंद कर दिया पाम ऑयल के आयात पे, ओके। चलिए फ्रेंड, अगला क्वेश्चन है, प्रदूषण के कारण किस झील को इको सेंसिटिव झील घोषित किया गया, तो ये है आपका डल झील, ध्यान देना, इको सेंसिटिव झील घोषित किया गया, किसको, डल झील को, ठीक है, नोट कर लेना दोस्त। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के पहले हाथी स्मारक का उद्घाटन किस प्रदेश में हुआ, तो ये है आपके उत्तर प्रदेश में, ओके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य ने 2020 से प्लास्टिक बोतलों पर प्रतिबंध लगा दिया, तो ये है गोवा राज्य, ओके। चलिए अगला है, दार्जिलिंग की ग्रीन और व्हाइट टी को किस प्रदेश ने जीआई टैग प्रदान किया, तो ये किया है आपके पश्चिम बंगाल ने, ओके। दार्जिलिंग की ग्रीन और व्हाइट टी को जीआई टैग मिला है, किसने दिया है, पश्चिम बंगाल ने, ओके। चलिए नेक्स्ट है, किस प्रदेश ने विभाग बनाने की घोषणा की, तो ये आपका हरियाणा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत ने किस देश के साथ फिर से पोस्टल योजना शुरू की, तो यह है पाकिस्तान,
ओके, ध्यान देना पाकिस्तान। चलिए नेक्स्ट है, किस राज्य ने वैकेड विलेज कार्यक्रम लॉन्च किया? तो ये हो जाएगा आपका जम्मू कश्मीर, वैकेड विलेज कार्यक्रम। ओके, ध्यान देना जम्मू एंड कश्मीर। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का सबसे बड़ा तेल आपूर्तिकर्ता देश कौन सा है? तो ये अमेरिका। पहले पे कौन है? इराक, ठीक है, ध्यान देना। दूसरे पे सऊदी अरब और तीसरे पे ईरान। ओके, चलिए नेक्स्ट है, किस राज्य में आर्थिक जनगणना की शुरुआत हुई? तो ये हुई है दिल्ली में, सबसे पहले आर्थिक जनगणना की शुरुआत की गई। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, मित्र शक्ति अभ्यास किन देशों के बीच संपन्न हुआ? तो ये हुआ आपके भारत एवं श्रीलंका के बीच। ओके, ध्यान देना, नोट कर लेना दोस्त। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, हज प्रक्रिया को डिजिटल बनाने वाला देश कौन है? तो यह है भारत, ठीक है, पहला वो देश है जो हज प्रक्रिया को डिजिटल बनाया। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के पहले समुद्री संग्रहालय की स्थापना किस राज्य में हो रही है? तो ये होगा आपका गुजरात में। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोलकाता पोर्ट का नाम रखा गया? सो श्यामा प्रसाद मुखर्जी के नाम पर। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य के स्कूल में हैप्पीनेस उत्सव शुरू हुआ? तो राइट होगा आपका दिल्ली में, ठीक है, दिल्ली में हैप्पीनेस पाठ्यक्रम की शुरुआत हुई। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य में पहली बार ड्रैगन पेड़ की प्रजाति पाई गई? तो यह है असम में पहली बार ड्रैगन पेड़ की प्रजाति पाई गई, इसको तो नोट कर लेना, ध्यान देना। चलिए नेक्स्ट है, रूफटॉप सौर स्थापना में कौन सा राज्य सबसे पहले है? तो ये हो जाएगा आपका गुजरात। ओके, चलिए नेक्स्ट देखते हैं, हाल ही में किस राज्य की तिरूर सुपारी को जीआई टैग दिया गया? तिरूर सुपारी को जीआई टैग दिया गया, तो होगा आपका केरल। ओके, चलिए अगला है, किस राज्य ने निकोटीन को क्लास ए पॉइजन घोषित किया? ये है आपका कर्नाटक ने क्लास ए पॉइजन घोषित किया है निकोटीन को। ओके, चलिए नेक्स्ट है, हाल ही में कृषि आशीर्वाद योजना किस राज्य ने शुरू किया? तो ये है झारखंड ने, अभी जल्दी शुरू किया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, लिसनिंग लर्निंग एंड लीडिंग पुस्तक किसने लिखी? ध्यान देना, लिसनिंग लर्निंग एंड लीडिंग वेंकैया नायडू यानी उपराष्ट्रपति ने, ओके, ये पुस्तक लिखी। सो फ्रेंड, ये रही वीडियो, छोटी सी करंट अफेयर, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। ओके, थैंक्स, बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।